तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं इस ब्यूटीफुल पैटर्न को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1 2 3 4 5 फाइव नीडल्स में मैंने तीन फंदों को ले लिया है एंड मेरे यहाँ पर एक एक पीछे की साइड है, ये बैक में ही रहेंगे। देन मेरे यहाँ पर 2 4 6 7 है, ठीक है। अब क्या करना है मैंने इस पैटर्न को बनाने के लिए, यहाँ पर मेरा हर बारी में बढ़ता जाएगा और यहाँ पर मेरे जो है हर 4 रोज़ में जो है केवल बनती जाएगी, ठीक है। केवल बनाने के लिए मैंने इस तरह के सिंगल पिन का इस्तेमाल किया है और जब आप केवल बनाओगे तो आपने डाइजेशन जो है 9 नंबर रखना है, ठीक है। इस तरह से एक को छोड़ देना है, देन इस तरह से बहुत इजी ट्रिक है, 1 मिनट की ट्रिक है, ठीक है। तो ये कर दिया है मैंने यहाँ पर आगे की ओर, ठीक है, इस तरह से अगेन, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से इस तरह से, और अगेन कह रही हूँ कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए उतने ही ज़्यादा आपने जो है बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से बहुत प्यारा पैटर्न बन के आता है और वेस्ट धागों का यूज़ आप बखूबी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में क्लियर करती हूँ, जितने फंदे यहाँ पर आए हुए हैं, जितने हमने यहाँ पर शुरू में रखे थे उतने यहाँ पर आने चाहिए, तब जाके ये बनता है बहुत अच्छा, ठीक है। तो फिर अगेन इसे बढ़ा लेती हूँ, ऐसे ही करते जाइए। आप चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट इजी वे में एक छोड़ के बताया है, आप चारों पांचों में भी कर सकते हो, ठीक है। और मेरा यहाँ इक्वल में आ गया है, जब मैं लास्ट में आ जाऊँगी तो मैंने क्या करना है, पूरे जितने फंदे यहाँ पर थे उतने मेरे यहाँ आ गए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, इनको इस तरह से उठा लेना है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इतने वाले भाग को हमने लेस करते हुए जाना है। पहले मैं इन्हें आगे कर लेती हूँ, टक लीवर का इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि केवल यही बुना जाएगा इस तरह से, ठीक है। देन अब लेस कर लेती हूँ, जैसे मैं लेस करूँगी आपने दूसरा कलर यूज़ करना है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था ना तो सेम वैसे ही करते हुए जाना है इस तरह से। आपने आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने कलियाँ कितनी बनानी है, 5 बनानी है, 6 बनानी है, 7 बनानी है, जितना ज़्यादा कलियाँ बनाना चाहते हो ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से पूरे लेस करिए, फिर मैं आपको रिवीजन करना बताती हूँ दोबारा से किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने एक पीछे ही रखना है, देन इस तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से 2 4 6 7 हो गए ना, अब सेम वैसे ही एक एक फंदा बढ़ता जाएगा और केवल बनती हुई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो है बना लीजिए। तो मैंने इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप लिए हैं, ठीक है, अगेन कह रही हूँ। तो नंबर एक, इसमें जो है डोर झालर भी बड़ी अच्छी बनकर आएगी, ठीक है, ब्यूटीफुल बन के आएगी और आप पम पम्स लगा सकते हो, क्रोशिया कर सकते हो, ठीक है। या फिर नंबर एक मैंने आपको निटिंग मशीन की आपको झालर बताई है, तो उस तरह से आप इसे यहाँ से इस तरह से ला सकते हो। देन आप जो है जैसे कुर्ती होती है ना लेडीज़ की, गर्ल्स की टॉप होती है, तो उसमें भी इस ब्यूटीफुल पैटर्न को दे सकते हो, पर आप ज़्यादा बड़ा ग्राफ ना करके कम फंदों का कर सकते हो, ट्रिक सेम यही रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ कि इसे टेबल रनर, थाल कवर बहुत अच्छे बनकर आते हैं, ठीक है। इस ब्यूटीफुल पैटर्न को आप जो है नेक से होने वाली स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हो, देखिए ब्यूटीफुल बन के आए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अब मैं जो है इसमें नेक्स्ट स्टेप आपको बताने जा रही हूँ, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो अब मैंने, ठीक है,
अब जो ये वाली साइड है, ठीक है, मैं यहाँ दिखा लेती हूँ, जो मेरे भरता क्रम था ना, अब इस साइड में मैंने, आप चाहो तो 3 की चैन ले सकते हो, ठीक है, आप चाहे तो 5 की भी। तो आपने जस्ट क्या करना है, अभी मैंने हैंड से निट किया है तो इसमें रो लेनी नहीं है आपने। आप चाहो तो 60 ले सकते हो, 70 ले सकते हो, जितनी बड़ी रो लेगी, ठीक है, उतना चाहिए। इसका जो है अंदर का सर्कल बड़ा अच्छा बनकर आएगा। देन यहाँ से आपकी चॉइस है कि आपने क्लोज उठाना है कि आपने दूर से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए फिर इन मैं जो है इस तरह से 5 फंदों को दोबारा से इस तरह से नीट कर लूँगी, ठीक है। और ये जो धागा है, आप चाहो तो बचे बचे धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब देखिए ये जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है, और जो लास्ट का है, तो मेरा इस तरह से पिनअप होगा, ठीक है, और इस तरह से, और अंदर वालों को आपने सारी कलियों को जो गैदर करते हुए जाना है, ठीक है, मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। और इसमें क्लियर कर रही हूँ कि आपका पोंचो कैसा बनेगा। पोंचो के लिए आपने फंदे ज़्यादा रखने हैं, और जो ये स्टिप निकाली है ना, इन स्टिप को मैंने इस तरह से करते हुए जाना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगता है। तो इस तरह से आपका ये डोरी वाला नेक भी तैयार हो जाएगा। याद रखिए नीचे आपने जो है निटिंग मशीन की झालर लगानी है आपने, और पॉम पॉम्स लगाने हैं, और फ्लावर द्वारा जो इसे डेकोरेट करना है, ये फ्रंट से इस तरह से, देन बैक से इस तरह से, ठीक है। एक स्टेप ये है, ठीक है। और अगर आपने थाल कवर बनाना है तो देख लीजिए, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में सारी डोरियों को कलेक्ट कर देना है, ठीक है, इकट्ठा कर लेना है। देन इसमें नॉड लगा देना है, पक्के से इस तरह से नॉड लगा देना है, और उसके बाद फिर राइट साइड की ओर कर लेना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। देन इन सब को हमने इक्वल्स में ला के अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसे हमने राउंड अप करना है, ठीक है। मैंने कलियाँ कम बनाई हुई है आपको बताने के लिए, आपने इसमें हो सके तो 7 और 8 लेनी है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और अभी मेरा अनकम्प्लीट है, अभी मैंने क्रोशिया की लुक देनी है, ठीक है।